हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, ये फ्री है और बहुत ही आसान है। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए मेरा नंबर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 7696180020। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा। हमारे चैनल की वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज मोर देन सफिशियंट हैं आपका GRF क्लियर कराने में, अगर आप बड़ी ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और जो मटेरियल जो बुक मैंने आपको सेंड किए हैं उनको आप अच्छे से लर्न करेंगे तो डेफिनेटली आपका JRF होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन बेसिकली ये आपका किस चीज़ पे है, बॉक्स मॉडल पे। क्वेश्चन है द बॉक्स मॉडल फॉर एन एयरशेड ओवर ए सिटी हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर वैल्यू। लेंथ दी हुई है एयरशेड की 24 किलोमीटर, एवरेज विंड स्पीड दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पोलूटेंट ओवर द सिटी इज 0, एस्टिमेट द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ पोलूटेंट इन द एयरशेड रीच टू इट्स 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, इन्होंने 63% वैल्यू पूछा है, ये बहुत ही कॉमन नंबर नहीं है 63 ही। क्यों? क्योंकि जो ये फॉर्मूले बनाए हैं बॉक्स मॉडल के लिए उसके लिए इन्होंने 3 फाइनल वैल्यू रखी है पोलूटेंट की। एक है 63, दूसरा है 86 और तीसरा है 95। इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो बॉक्स मॉडल के लिए फॉर्मूला है, केवल आप 3 वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं, 63, 86 और 95। सबसे पहले हम बात करते हैं 63 की, कितना टाइम लगेगा कि पोलूटेंट की कंसंट्रेशन इसकी 63% वैल्यू तक पहुंच जाए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, एल अपॉन यू यानी कि लेंथ ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय विंड स्पीड आप करेंगे तो जो टाइम आपको मिलेगा उतने टाइम में पोलूटेंट अपनी फाइनल वैल्यू का 63% जो है वो रीच करेगा। अब जो टी हमने कैलकुलेट कर ली है, जब हम इसको इनटू 2 करेंगे तो 86% अपनी फाइनल वैल्यू का रीच करेगा और इनटू 3 कर देंगे तो 95। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्मूले पे इस टाइप की तो आपको केवल 3 वैल्यू ही क्वेश्चन में मिलेगी, 63, 86 और 95। ये आपने दिमाग में रखना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला तो कुछ नहीं, टी इज इक्वल टू एल अपॉन यू, एल क्या है लेंथ ऑफ बॉक्स और यू क्या है विंड स्पीड। तो यहाँ पे आपको बॉक्स की लेंथ दी हुई है 24 किलोमीटर, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है तो 24 इंटू 10^3 डिवाइड बाई 4 आपको क्या मिलता है, 6000 सेकेंड, जो कि किसके बराबर होता है 1.6 आर के अराउंड। जो आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सबसे अप्रोप्रिएट सबसे नियरेस्ट ऑप्शन जो है वो है 1 आर एंड 40 मिनट्स। तो इस टाइप से आप अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के, आप सबकी प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बट फिर भी पहले ये क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में
जो बाकी क्वेश्चन आए हैं उनको देखिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको सही आंसर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको मेरे किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। डेफ़िनेटली जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके सॉल्यूशन दूंगा। टाइम लगातार दौड़ा जा रहा है, इस टाइम की रेस में आपने जीतना है। JRF चाहिए तो रोज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर लिए हैं आपको वो आ जाने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ना कि आप जो न्यूमेरिकल आपको अभी तक नहीं मिले हैं, नहीं सॉल्यूशन मिले हैं, आप उनको सोल्व करने में पूरा पूरा दिन, कई कई हफ्ते ख़राब कर दे रहे हैं कि बस मेरे तो न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएं। भाई वो भी हम सोल्व करेंगे, सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका डाटा गलत है, उनको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में कहाँ प्रॉब्लम है। मोस्टली क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, जो रेस्ट ऑफ रहते हैं आपके जल्दी ही वो भी सोल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल सोल्व करने में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल हम आपको दे चुके हैं सोल्व करके, इनकी भी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगी। बट अगर आप ये जो न्यूमेरिकल मैंने अभी सोल्व कर दिए ये तो आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपको नहीं आता है उस पर पूरा दिन ख़राब कर देंगे, तो ऐसे टाइम ख़राब मत कीजिए। मेरा आप लोगों को सजेशन है कि प्लीज़ जो मटेरियल, जो सॉल्यूशन आपके पास में है उसको अच्छे से पढ़िए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जो आपके वीक पॉइंट हैं वो मुझे पता है, उन पर मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं काम करके दे देता हूँ, न्यूमेरिकल सोल्व करके दे देता हूँ, फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बट जैसे ही मैं ये न्यूमेरिकल अपलोड करूँगा आप इस न्यूमेरिकल को फॉरवर्ड करके फटाक से देख लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, और जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है वो उस पर काम करना शुरू कर देंगे, पूरा दिन ख़राब कर देंगे। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे रह चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कॉन्टेक्ट में हैं, लगातार मैं टीच करता हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ आपके पास में है उसको यूज़ कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं बार बार, उनको निकाल के रखिए, और जो चीज़ आप कर सकते हैं आसानी से उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो एंड में आपको पता चलेगा कि केवल 10% चीज़ें ही ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, बाकी सब चीज़ें आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो वो आपकी हैं। और आपको तो 70% का टारगेट लेके चलिए, 90 चाहिए भी नहीं, तो अगर 10% चीज़ें आपको नहीं भी आती तो भी आपका JRF है। बट उसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ेगा, अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाइए और वीक पॉइंट पे काम करते जाइए, धीरे धीरे उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।